गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मोहित कुमावत लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। जैसे कि डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा प्राइम ट्रिपलेट्स, प्राइम का मींस प्राइम नंबर, ट्रिपलेट्स का मींस क्या होता है, थ्री का जो पेयर होता है उसको हम ट्रिपलेट्स बोलते हैं। इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए प्राइम नंबर होता क्या है, एंड जो प्राइम नंबर का एलसीएम, प्राइम नंबर का एचसीएफ, को प्राइम, ट्विन प्राइम एंड कोई भी आपको थ्री फोर डिजिट का जो प्राइम नंबर दे रखा है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। कोई भी नंबर दे रखा है एक्स वाई जेड तो उसको कैसे चेक करेंगे प्राइम नंबर है या नहीं है। एंड आपको प्राइम नंबर आएगा तभी आपको प्राइम ट्रिपलेट्स हो गया, को प्राइम नंबर हो गया, ट्विन प्राइम हो गया, एचसीएफ प्राइम नंबर, एलसीएम प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन, वो सब आपके तब जाके क्लियर होंगे। क्लियर? तो बात करते हैं आज की वीडियो की प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में। एंड जिसको भी प्राइम नंबर के बारे में नहीं पता वो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं अच्छे से, वहां पे आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे बात है, इसके अलावा 1 जुलाई अप्रोक्स मान के चलो कि जुलाई 1st वीक में आपका हॉस्टल वगैरह ओपन हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट हॉस्टल में आके स्टडी करना चाहता है तो कॉन्टेक्ट कर सकता है। एंड हॉस्टल में आपको पता हो पर डे 12 आवर्स क्लासेस होती है। क्लियर? एंड एवरी संडे एंड वेनसडे आपका ओमारशिप पे प्रॉपर वे में आपका टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइम ट्रिपलेट्स होता क्या है तो आपको प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में बताऊंगा एंड उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। एंड 2 से 3 एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में अपना नेम एंड उनके एग्जाम्पल आपको राइट करना है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसे आप बात करते हैं कई बुक्स में इसका अलग डेफिनेशन भी दे रखा है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या होता है वो देखेंगे हम। क्लियर? तो देखो प्राइम ट्रिपलेट्स होता क्या है, ए प्राइम ट्रिपलेट्स इज ए सेट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। कॉन्जुगेटिव का मीन्स कंटिन्यू। क्लियर? कॉन्जुगेटिव का मीन्स क्या होता है, कंटिन्यू, लगातार। प्राइम नंबर इन विच डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 प्राइम नंबर्स का सेट होना चाहिए, मींस तीनों ही प्राइम होने चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटिव होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए। जैसे 2 के बाद प्राइम नंबर आपका 3, 3 के बाद आपका प्राइम नंबर 5। क्लियर? मींस उनमें गैप नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर होना चाहिए। एंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज 6। कहने का मींस ये है कि ए प्राइम ट्रिपलेट इज सेट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स। मींस फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, जैसे 2, 3 एंड 5 तीनों प्राइम नंबर्स है। जो कंडीशन क्या होना चाहिए, एक तो वो क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए एंड कैसे होनी चाहिए, कॉन्जुकेटिव होनी चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर होनी चाहिए तीनों नंबर्स एंड कैसे होनी चाहिए, कॉन्जुकेटिव कंटिन्यू। एंड थर्ड कंडीशन आपको क्या देखना है, डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है उस सेट का एंड सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। फिर यहां पे बात करते हैं कॉन्जुकेटिव। सबसे पहले तीनों प्राइम है, यस 2 भी आपका प्राइम है, 3 भी आपका प्राइम है एंड 5 भी आपका प्राइम है, तीनों प्राइम है। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या, कॉन्जुकेटिव होना चाहिए। तो 2 के बाद प्राइम नंबर आपका 3 आता है, 3 के बाद आपका 5 आता है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा ये आपका 2 है, ये आपका स्मॉलेस्ट है एंड ये आपका ग्रेटेस्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट 5 माइनस 2 कितना आ रहा है, 5 माइनस 2 कितना आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। बट डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तो प्राइम ट्रिपलेट्स होंगे। तो यहाँ पे 2, 3, 5 ये क्या होंगे, आपके प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं होंगे, ये आपके प्राइम ट्रिपलेट्स नहीं होंगे। क्लियर? तो बड़े कंडीशन क्या है, तीनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए एंड कॉन्जुकेटिव होने चाहिए एंड जो तीनों प्राइम नंबर है उनमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। देखो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहां पर बात करते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दे दिया 7, 11 एंड 13। तो सबसे पहले तीनों ही प्राइम है, यस 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी आपका प्राइम नंबर है। एंड सेकंड कंडीशन क्या, कॉन्जुकेटिव कंटिन्यू होने चाहिए। तो 7 के बाद प्राइम नंबर आपका 11 आता है, यस 11 के बाद आपका प्राइम नंबर 13 आता है, सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन क्या है कि स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। स्मॉलेस्ट कितना आपका, 7 है, ये तो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड 13 क्या है, लार्जेस्ट प्राइम नंबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस 6 होना चाहिए। तो 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना, 6 है। तो मीन्स आपका 7, 11, 13
ये कैसे है प्राइम ट्रिपलेट्स होंगे, कैसे होंगे प्राइम ट्रिपलेट्स, क्लियर बेटे? तो आपको ध्यान ही देना है कि प्राइम ट्रिपलेट्स नंबर होता क्या, थ्री प्राइम नंबर्स का सेट होता है, तीनों ही आपके प्राइम नंबर होने चाहिए एंड तीनों ही नंबर आपके कॉन्जुकेटिव होने चाहिए, कॉन्जुकेटिव प्राइम नंबर्स, क्लियर? एंड उसके बाद थर्ड कंडीशन क्या है कि उन जो प्राइम नंबर थ्री प्राइम नंबर का सेट है उसमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सिक्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो सेवन इलेवन थर्टीन कैसे प्राइम ट्रिपलेट नंबर है, क्लियर? एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आपका इलेवन हो गया, इलेवन के बाद प्राइम नंबर थर्टीन होता है, थर्टीन के बाद आपका प्राइम नंबर सेवनटीन होता है, तो ये प्राइम ट्रिपलेट्स है या नहीं है वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले तीनों प्राइम है, इलेवन भी प्राइम है, थर्टीन भी प्राइम है, सेवनटीन भी प्राइम है, उसके बाद कॉन्जुकेटिव कंटिन्यू होना चाहिए, इलेवन के बाद आपका थर्टीन होता है प्राइम नंबर, यस, थर्टीन के बाद आपका सेवनटीन होता है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, स्मॉलेस्ट, आपका इलेवन तो क्या स्मॉलेस्ट है, सेवनटीन क्या ग्रेटेस्ट है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखना है, ये आपका स्मॉलेस्ट है यहाँ पे एंड ये क्या आपका ग्रेटेस्ट है, ये आपका ग्रेटेस्ट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सिक्स का डिफरेंस होना चाहिए। तो 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 कितना हो गया 6, यस। तो ये जो 11, 13 एंड 17 है ये क्या होंगे आपके प्राइम ट्रिपलेट्स होंगे, क्या होंगे प्राइम ट्रिपलेट्स, क्लियर? तो फिर से रिपीट कर देता हूं, प्राइम ट्रिपलेट्स होता क्या है, थ्री प्राइम नंबर्स का सेट होता है एंड तीनों ही प्राइम नंबर्स होने चाहिए एंड तीनों ही कॉन्जुकेटिव मींस कंटिन्यू, इस 11 के बाद आपका 12 जो प्राइम नहीं है एंड उसके बाद आपका 13 है जो प्राइम है, 11 के बाद आपका 13 ही होगा प्राइम नंबर एंड 13 के बाद आपका 17 ही होगा प्राइम नंबर, तो तीनों ही प्राइम नंबर होने चाहिए, कॉन्जुकेटिव होने चाहिए कंटिन्यू लगातार। एंड थर्ड कंडीशन आपको देखना है जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है एंड ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए, सिक्स का डिफरेंस होना चाहिए, क्लियर? तो आपको ऐसे ही टू एग्जांपल्स आपको राइट करना कमेंट बॉक्स में, ये आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया होगा इजीली, तो आपका होमवर्क क्या है आपको टू एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स में राइट करना है, टू एग्जांपल्स, राइट टू एग्जांपल्स इन कमेंट बॉक्स, राइट टू एग्जांपल्स इन कमेंट बॉक्स, अपना नेम, अपना नेम एंड आंसर आपको राइट करना है, प्राइम ट्रिपलेट्स के टू एग्जांपल्स आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है बेटे, क्लियर? अच्छे समझना है, इसका डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल मैंने समझाया समझ में आ गया होगा, क्लियर? तो आपका अपना नेम एंड राइट टू एग्जांपल, टू प्राइम ट्रिपलेट्स के एग्जांपल आपको कमेंट बॉक्स में राइट करना है। ओके बेटे, थैंक यू।